आपके साथ मैं हूं अनुजा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार रात विदेश दिल्ली लौट आए हैं और इसके बाद सोमवार को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा की है। सोमवार शाम कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के साथ बैठक की है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी ने गोवा चुनाव रणनीति की समीक्षा बैठक में तृणमूल कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा की, लेकिन गठबंधन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐसी खबरों को गलत ठहराया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि समीक्षा बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा टीएमसी के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा की गई और ये अफवाह पूरी तरह से निराधार और असत्य है। कांग्रेस राज्य में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है और कुछ अन्य दलों के साथ भी तालमेल के प्रयास में है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर को लेकर भी इस तरह की बैठक कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा और वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।